हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक मॉडल फाल्कन, मतलब एक आग्नेयगिरी। तो आग्नेयगिरी क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो इस आग्नेयगिरी के हम साइंस में कैसे बना सकते हैं, मतलब साइंस में कुछ रूल्स है उसमें आप आग्नेयगिरी आप खुद बना सकते हो, मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए आप आग्नेयगिरी घर में बना के वो प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ चाहिए वो आप लोगों को घर में ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वोल्केनो मतलब आग्नेयगिरी को बनाने के लिए आपको एक मॉडल तैयार करना है, मतलब एक पहाड़ की तरह दिखने में लगेगा, ठीक है। तो उस पहाड़ के ऊपर से लावा निकलेगा, यही इसका आज वीडियो का टॉपिक है। तो ये बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो किचन में इजिली मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा आग्नेयगिरी, ये हमने खुद घर पे बनाया है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही बना लेना है और यहाँ से लावा निकलेगी, ये ऊपर से लावा निकलेगी, ठीक है। तो इसको पहले बनाना है, उसके पहले केमिकल कैसे कुछ करना है वो दिखा देंगे आप लोगों को। तो इसको आप लोगों को पहले सबके पहले यही चीज़ आप लोगों को बनाना है, आप जैसे भी चाहो बना सकते हो। ओके, तो आप केमिकल को हम कैसे मिक्स कर सकते हैं वो चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पहाड़ कैसे बनाए वो तो आप लोगों को दिखा दिया, अब केमिकल को कैसे मिक्स करना है और कैसे उसके अंदर डालना है ये आप लोगों को दिखाते हैं। अब वोल्केनो से जो लावा निकलेगा उसको बनाने के लिए विनीगर चाहिए, ये देखो ये विनीगर है, तो विनीगर चाहिए और चाहिए बेकिंग सोडा, ये देख रहे हो ये है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा चाहिए, ठीक है। और चाहिए डिटर्जेंट, तो आप कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हो। तो इस कटोरी के अंदर बेकिंग सोडा डालना है, ये है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को के अंदर डालना है। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो ये बेकिंग सोडा ये एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। और ये है डिटर्जेंट, ठीक है, मैंने एक चम्मच इसके अंदर दे दिया और थोड़ा सा दे दिया। ओके, कोई भी डिटर्जेंट आप दे सकते हो, मैंने ये दिया है तो यही देना है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी डिटर्जेंट चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को, डिटर्जेंट और जो बेकिंग सोडा मैंने दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दोनों बहुत अच्छे मिक्स हो गया है, अब इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। और एक ग्लास लेते हैं और इसके अंदर विनेगर डालते हैं, ठीक है। इतना ही काफी है। अब इसके अंदर कलर मिक्स करना है, मतलब लावा जो लावा निकलता है ना वो तो रेड कलर होता है, तो इसको भी रेड कलर करना है। ये देख रहे हो ये आटा है, ठीक है, आटा को हमने घून के रखा है और इसमें कलर डाला है, फूड कलर डाला है, रेड कलर हो गया, ठीक है। तो ये जो बनाया ना, तो इसके ऊपर एक छेद है, ठीक है, और यहाँ पर एक लेयर हमने बनाया है यहाँ पर। तो इस लेयर में मतलब इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो चल जाएगा। ये देखो अंदर खाली है और यहाँ पर लॉक हुआ है, तो ये एक पाइप की तरह है, ठीक है। तो इसको यहाँ इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे और ये जो आटा है इस आटा को इसके चारों ओर में लगा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम पहले जो बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट मिक्स करके रखा है इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर बेकिंग सोडा ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, और हमने बहुत ही अच्छे से इसको आटा से पैक कर दिया है, ठीक है। ये पूरा पहाड़ का व्यू है साइड का,
ठीक है ना। इसके अंदर अब हम विनेगर डालते हैं। लाभा की तरफ देखने में लगता है। और जो ओरिजिनली आप लोग जब ट्राई करोगे तो एकदम पूरा रेड कलर का रहेगा। और ये थोड़ा हमारा रेड कलर जो दिया था ये थोड़ा डीप नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा डाउन आ रहा है। इसके अंदर और भी रेड कलर डाल, ठीक है, देख लो यहाँ से कैसे निकल रहा है। और भी थोड़ा डाल के देखते हैं, देख लो यहाँ से कैसे निकल के बाहर की तरफ आ रहा है। ये बना लाभा की तरह निकल रहा है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर चाहते हो कि ये जो हमने आग्नेयगिरी बनाया है इसके अंदर से आग भी निकले तो आप लोग कमेंट करके बताना, वो वाला वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर से हम पहले ये जो केमिकल देके बनाया था तो उसमें आग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर से आग भी निकलेगा और बाहर की तरफ लाभा भी आएगा, वो देखने में और भी शानदार लगता है, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और कुछ भी आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए, हम वो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।